हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं पीएचपी वीडियो सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एक्सएम कैसे इंस्टॉल करते हैं और हमने अपना पहला पीएचपी फाइल भी क्रिएट किया था, जिसके साथ ही हम अपने पहला एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, पहला पीएचपी इन्फो फंक्शन के बारे में और जो दूसरा है वो है php.ini फाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पीएचपी इन्फो फंक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे आप पीएचपी में कोड करना शुरू करोगे और लेटर ऑन जैसे आप यूज़ टू हो जाओगे इसके, तो आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा कि आप अपने पीएचपी इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल जानें। जैसे कि आप अगर पीएचपी में अपने इमेज जनरेट करना चाहते हो और आपने कोड लिखा, तो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या आपका पीएचपी इंस्टॉलेशन जीडी लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, या क्या वो अगर सपोर्ट करता है तो ऑन है। और जैसे कि आप अगर अपने पीएचपी एप्लीकेशन में कर्ल इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करना चाहोगे, जो हम लेटर में बात करेंगे, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि क्या आपका पीएचपी इंस्टॉलेशन कर्ल सपोर्ट करता है। और जो तीसरा है वो है आपका पीएचपी वर्जन कौन सा है, और ऐसे बहुत तरीके की चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो उसके लिए हम पीएचपी फंक्शन यूज़ करते हैं। दोस्तों, पीएचपी आपका कौन सा वर्जन है ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है इससे पहले कि आप पीएचपी में कोडिंग करें, क्योंकि दोस्तों आपने जो कोड लिखा है वो डिपेंड करता है कि रन होगा कि नहीं, क्या वर्जन है पीएचपी का। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पीएचपी 5.7 डाउनलोड किया और लेकिन आपने कोड जो लिखा है उसमें इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि नए पीएचपी 7 में आए हैं, तो वो कोड शायद उसमें रन ना करें क्योंकि आपका जो पीएचपी वर्जन है वो पुराना है। ऐसे बहुत तरीके के कारण हो सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना ज़रूरी है वो आपका कौन सा पीएचपी वर्जन है। तो चलिए दोस्तों, हम एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं जिसमें हम पीएचपी इन्फो फंक्शन इंक्लूड करेंगे। उसके लिए मैं चलता हूँ माय कंप्यूटर में, फिर मैं सी ड्राइव में चलूँगा क्योंकि मैंने एक्सएम सी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखा है। एक्सएम के अंदर चलूँगा मैं एचटी डॉक्स के अंदर, रूट फोल्डर जो है, फिर मैं जाऊंगा इसमें पीएचपी सीरीज जिसमें मैंने सारा कोड जो मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करूंगा मैंने स्टोर किया है। इसको क्लिक करते ही अंदर पहुंच जाते हैं, फिर मैं इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा क्योंकि ये थर्ड वीडियो है पीएचपी सीरीज़ का, तो मैं इसमें फोल्डर का नाम दूंगा 3। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, उसके बाद एक हम नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं index.php। इसको हम टेक्स्ट को डिलीट करते हैं इधर से, फिर एंटर कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, फिर हमारा फाइल क्रिएट हो गया। फिर इसको फाइल को हम ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर में। ओपन करते ही सबसे पहला जो हमको काम करना है वो है पीएचपी टैग इंक्लूड करना, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें पीएचपी कोड लिखने के लिए पीएचपी कोड, हर कोड जो शुरुआती हम लिखते हैं उसमें हम शुरू करते हैं उसको पीएचपी ओपन टैग से, और उसको एंड करना ज़रूरी है पीएचपी क्लोजिंग टैग से। चलिए दोस्तों, ओपनिंग टैग इंक्लूड करते हैं जो कि है लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर इसको क्लोज करते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन साइन से इसको हम एंटर करते हैं, नीचे लाते हैं और सेव करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको पीएचपी इन्फो जो कि जो डाटा देगा उसको हमको ब्राउज़र में डिस्प्ले करना है, हम इसमें एक कमांड यूज़ करेंगे जो पीएचपी का स्टैंडर्ड है, वो है एको। और एको हमको क्या करना है, पीएचपी इन्फो फंक्शन का आउटपुट इन्फो, पीएचपी इन्फो, इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और फिर चलूँगा ब्राउज़र में। ब्राउज़र में मैं टाइप करूँगा, इससे पहले कि हम ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हैं हम देखते हैं कि एक्सएम पे अपाचे इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इसके बिना पीएचपी रन नहीं होगा। फिर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट, और क्योंकि लोकल होस्ट पॉइंट करता है एचटी डॉक्स फोल्डर को, लोकल होस्ट में हमको जाना होगा फिर कहाँ पे, पीएचपी सीरीज फोल्डर में, पीएचपी सीरीज और फोल्डर नंबर 3। उसके बाद हमको एंटर करना है, फाइल नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही हमने नाम दिया था उसको index.php, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। इसको एंटर करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो हमको आउटपुट मिल गया है।
सबसे ऊपर जो आपको दिखेगा इसमें, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ये आपका कौन सा PHP वर्जन है। मेरे केस में PHP 5.6 है, आपका दूसरा हो सकता है। तो इससे हमको पता लग गया, पहला इन्फॉर्मेशन को मिल गया कि हमका हमारा PHP कौन सा वर्जन है। इसके जैसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा अपाची जो हमने इंस्टॉल किया वेब सर्वर, उसके एनवायरनमेंट के बारे में। फिर नीचे हम चलते हैं, फिर हमारा सर्वर रूट, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, सर्वर नेम, लोकल होस्ट, और फिर हमको HTTPS हेडर इन्फॉर्मेशन मिलेगा इधर पे। फिर और भी कोर जो फंक्शनलिटी कोर जो हम लोग का है PHP कोर, उसके बारे में कुछ हमको डाटा डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि मेमोरी लिमिट। ये मेमोरी लिमिट दोस्तों ऐसा है कि जब आप कोई PHP रन करोगे तो PHP कोड कितना मैक्सिमम मेमोरी यूज़ कर सकता है सर्वर में, उसका लिमिट है। और भी है, जैसे कि आपको इधर पे दिख रहा होगा ऊपर, मैक्स इनपुट टाइम, फिर मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, जो कि कितना मैक्सिमम टाइम तक एक PHP स्क्रिप्ट रन हो सकता है। और नीचे हम चलेंगे, और भी है इसको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था GD लाइब्रेरी सपोर्ट करता है कि नहीं, वो देखना है तो आप इधर भी देख सकते हैं, एनेबल्ड है, तो हम GD फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके के GD लाइब्रेरी, PNG सपोर्ट करता है कि नहीं, बाकी और तरीके की चीज़ें इधर में भी डिस्प्ले है। फिर हम और नीचे चलेंगे, MySQL जो है डाटाबेस सिस्टम, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है इसमें, और ऐसे तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, जो कि हम देखेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत तब पड़ेगा जब हम और सीखते जाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन PHP वेरिएबल सारे आपको इधर भी दिखेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको इधर पे और एंड हो गया इधर पे बेसिकली। तो दोस्तों ये जो PHP इन्फो फंक्शन है वो क्या करता है कि आपके PHP इंस्टॉलेशन के जितने भी डिटेल्स हैं, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स, वो सारे हमको आउटपुट करता है। तो इसके हेल्प से आप अपना PHP इंस्टॉलेशन के बारे में लगभग हर चीज़ जान सकते हो। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी इस फंक्शन को प्रोडक्शन मोड में यूज़ ना करें। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डेवलपमेंट मोड में यूज़ कीजिए, करके इसका आउटपुट देखिए, फिर इसको आप डिलीट कर दीजिए। कारण यह है कि अगर आपने इसको प्रोडक्शन सर्वर, जो कि आपका कोई पेड होस्टिंग सर्वर हो सकता है, अगर इसने आपने ये फाइल में इंक्लूड करके अपलोड कर दिया, तो दूसरे जो यूज़र्स हैं आपके PHP इंस्टॉलेशन के बारे में हर चीज़ें, डिटेल चीज़ें देख पाएंगे। उससे आपका ये होगा कि आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि यूज़र को आपके बहुत सारे सर्वर के इंटरनेट डिटेल्स पता लग जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर आप करना चाहते हो भी हो तो फटाफट कीजिए, देखिए इसका डाटा आउटपुट, फिर इसको डिलीट कर दीजिए। तो इसको हम अभी क्लोज कर देंगे। दोस्तों जो मैं दूसरे चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है php.ini फाइल के बारे में। php.ini एक, जैसे कि नाम उसका सजेस्ट करता है, एक PHP इनिशियलाइजेशन फाइल है, जो कि आपके PHP जो भी आपने अभी अपने कोड लिखा या आगे भी लिखेंगे, वो सारे कोड का जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है या गवर्न करता है। जो भी हम php.ini फंक्शन में सेटिंग्स करेंगे, वही चीज़ें डिसाइड करेगी कि हमारा PHP कोड कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो ये php.ini फाइल कहाँ मिलेगा हमको, उसको ढूंढने के लिए हम चलेंगे सी ड्राइव में, जहाँ पे हमने XM इंस्टॉल किया है। XM के फोल्डर के अंदर हमको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है PHP, जो कि ये है दोस्तों। फिर PHP फोल्डर के अंदर हमको ढूंढना है php.ini, जो कि मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा इधर पे देख सकते हैं हम, ये रहा। अगर आपको मुश्किल हो रही है php.ini फाइल ढूंढने में, तो आप एक लोकल सर्च कर सकते हो इधर से, तो आपको वो आराम से मिल जाएगा। हम ओपन करते हैं इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में। जैसे ओपन करेंगे हमको इधर पे कुछ दिखेगा, PHP पहला जो दिख रहा है अबाउट php.ini, इसमें php.ini के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये जो php.ini फाइल है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में PHP इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है, वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज आप कर सकते हो, प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए नहीं। मैं कहना इसका मतलब ऐसा चाहता हूँ कि अगर आपने अपने कोड PHP में लिखा और आपने अपने लैपटॉप में ही टेस्ट कर रहे हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि
आपका कोड फाइनल हो गया है और आप उसको सर्वर में अपलोड करोगे ताकि दूसरे यूज़र्स उसको यूज़ कर पाए, तो अगर उसके साथ आपने ये php.ini फाइल अपलोड कर दिया जो कि आपके प्रोडक्शन मोड में हो जाएगा, तब ये चीज़ आपके लिए रिस्की होगा क्योंकि इसकी सेटिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट है प्रोडक्शन यूज़ के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन यूज़ में हम लोग को जैसे कि ज़रूरत पड़ेगा कि एरर्स यूज़र्स को ना दिखे, जो इंटरनल एरर्स हैं वो ना दिखे, जो कि हमको डेवलपमेंट मोड में चाहिए होता है। तो ऐसे बहुत तरीके की सेटिंग्स हैं जो हमको चेंज करने पड़ेंगे जब हम डेवलपमेंट से प्रोडक्शन मोड में शिफ्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा php.ini जो फाइल है उसके बारे में थोड़ा जान लें इससे पहले कि हम प्रोडक्शन मोड में आप मूव करें। तो चलिए दोस्तों स्क्रॉल करते हैं नीचे, हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें जो आप देख रहे हो सेमी कॉमा वो बेसिकली कमेंट है, तो ये जो जिसके आगे सेमी कॉमा है वो रन नहीं होंगे और जिसके आगे सेमी कॉमा नहीं है वो स्टेटमेंट रन होगा। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, जैसे इधर पे आप देखिए ASP टैग ऑफ है, मतलब ये PHP प्रोसेस करेगा, ASP.scripts होते हैं वो प्रोसेस नहीं करेगा। एंजिन ऑन मतलब अपाचे जो इंजन है वो ऑन है, जो लैंग्वेज जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है मतलब इंटरप्रेटर ऑन है इसमें। और जैसे हम नीचे जाएंगे हमें और भी चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि ये सब है zip आउटपुट कंप्रेशन ये भी ऑफ है, और ऐसे बहुत तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि आप सीखते जाओगे आपको पता लगते जाएगा। इसको स्क्रॉल करते नीचे मेमोरी लिमिट आपको दिख रहा है, ये मेमोरी लिमिट बेसिकली दोस्तों वो है कि जब आप कोई भी PHP कोड रन करते हो जो स्क्रिप्ट होता है आपका वो एक मेमोरी मतलब अलॉट होता है उसको, तो कितना मैक्सिमम मेमोरी कंज्यूम कर सकता है वो स्क्रिप्ट जब वो रन होगा, तो वो डिसाइड करता है मेमोरी लिमिट। अगर आपने मेमोरी लिमिट इधर 128 जैसे कि में है मतलब मेगाबाइट 128 मेगाबाइट, तो आपका PHP स्क्रिप्ट किसी भी कंडीशन में 128 मेगाबाइट से ज़्यादा मतलब कंज्यूम नहीं कर सकता। दोस्तों बेसिकली ये सारे चीज़ों को गवर्न करता है, एरर्स को गवर्न कर रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा था। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई PHP कोड लिखोगे तो आपको php.ini को ध्यान में लिख के ही लिखना है, क्योंकि जो एरर्स हमको फेस हो सकते हैं फ्यूचर में, आपने कोड सही लिखा होगा आपको लगेगा कि यार मैंने कोड तो सही लिखा लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके php.ini फाइल्स में सेटिंग्स गड़बड़ है, जो कुछ दूसरा होना चाहिए था ऑफ होना चाहिए था आपने ऑन करके रखा, कोई ऑन होना चाहिए था आपने ऑफ करके रखा, या किसी के वैल्यूज़ आपने गलत चूज़ कर लिए। दोस्तों बेसिकली php.ini के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगा जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसके बारे में और जानेंगे। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखना ना भूलिए।